माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिफरेंशियल कैलकुलस टॉपिक के चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंटेंट्स के बारे में चर्चा करूंगा। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। इसके पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के सारे थ्योरम्स और उस पर बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स को डिफरेंट टाइप्स में बांटकर टाइप वाइज सॉल्यूशन दिया हूँ। उन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यह डिफरेंशियल कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर है। मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को एंड करने के पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के सारे कंटेंट्स को वन बाय वन करके बताया था। अब आगे से मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के आरंभ में ही उस चैप्टर में जो कंटेंट्स पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। इस तरह से बताने का मेरा एम यह है कि जब पहले आप जान जाएंगे कि किसी चैप्टर में क्या उसके कंटेंट्स हैं, हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, तो उस चैप्टर के सारे कंटेंट्स को जब आप देख लेंगे और जान जाएंगे कि यही सब कंटेंट्स हमको पढ़ने हैं, यही सब चीज़ें हमको पढ़नी हैं, और उसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा वन बाय वन करके कंटेंट के हर एक सेक्शन को, तो आप अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक वे में सारे कंटेंट्स के मैटर को आप स्टेप वाइज समझ पाएंगे। इससे आपका स्टडी जो है डीप होगा और कंटेंट्स को अच्छे ढंग से समझ पाने में आप एबल हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि बुक में ये कंटेंट्स किस ढंग से दिए गए हैं और किसके बाद किसको हमको पढ़ना चाहिए, क्या उसका एक सिस्टमेटिक वे है। तो यही हमारा एम है इस कंटेंट को देने का। तो आज मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के सेकंड चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज़ के बीएससी ऑनर्स कोर्स के लिए निर्धारित है, साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस मैथ ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए भी रिकमेंडेड है। तो ये जो चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन बीएससी ऑनर्स और यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल एग्ज़ाम दोनों के लिए मोस्ट यूजफुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर के कंटेंट्स को देखें, समझें और सुनें। तो देखें, मैंने लिखा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस चैप्टर इज प्रेफर्ड फॉर यूपीएससी सीएससी आईएएस मैथ ऑप्शनल एंड बीएससी ऑनर्स ऑफ ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये जो चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज के बीएससी ऑनर्स कोर्स के लिए और यूपीएससी सीएससी आईएएस मैथ ऑप्शनल के कोर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखें, सबसे पहले हम लोग
इस लेसन के कंटेंट्स क्या हैं, इस पर गौर करें। सबसे पहला कंटेंट है फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के फंक्शंस का डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। पहले बताएंगे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आप इंटरमीडिएट क्लास में पढ़े हैं, क्लास 12 में, फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल एक्स जो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए यहां मैं बता रहा हूं, y इज ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल x इज डिनोटेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसमें क्या है, तो y एक सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, y इज इक्वल टू 2x³। हियर y इज ए फंक्शन ऑफ x वेयर x इज ए सिंगल वेरिएबल। सो इन दिस एग्जांपल y इज ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल x। पार्शियल डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। जैसे हम लिखें u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y। हियर u इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। इसमें देखिए y इज ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल x। यहां क्या है, u इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। इसमें y एक सिंगल वेरिएबल x पर डिपेंड करता है, जबकि इसमें u दो वेरिएबल्स x y पर डिपेंड करता है। तो इसका एग्जांपल देखिए मैं बताता हूं। जैसे हम लें u इज इक्वल टू 3x y² एक छोटा सा एग्जांपल दिया, तो हियर u डिपेंड्स अपॉन बोथ x एंड y। सो हियर u इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग दो वेरिएबल्स x y के फंक्शन पर विचार करते हैं, ये मेन कंसेप्ट है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y के बारे में। इसके बाद मैं बताऊंगा पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम हुआ पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशियंट्स, क्योंकि डेरिवेटिव का अर्थ ही होता है डिफरेंशियल कोफिशियंट। तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स कहें या पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशियंट्स कहें, बोथ आर द सेम मीनिंग। तो देखें पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी मैं आपको बताऊंगा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स दो टाइप के होते हैं। एक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, या कहें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, या कहें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसमें मेनली हम लोग दो तरह के पार्शियल डेरिवेटिव्स का जिक्र करेंगे, एक फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड दूसरा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैंने बताया कि पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर दो तरह के पार्शियल डेरिवेटिव्स का अध्ययन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का पहले मैं डिफिनेशन बताऊंगा, फिर एग्जांपल से उसे स्पष्ट करूंगा। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये क्या है। तो जब आप जान जाएंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स में जो दो तरह के आपको जो मैं बताऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हम कैसे एवेल्युएट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को एवेल्युएट करने का क्या प्रोसेस है,
ये सारी चर्चा करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव दोनों को निकालने पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को बताएंगे। मतलब प्रॉब्लम्स में यही सीखना है कि हाउ डू वी फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल्स एक्स वाई के किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे हम निकालते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव पर बेस्ट प्रॉब्लम्स को बताएंगे, वेल सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को बताएंगे जो एग्जामिनेशन में हमेशा आते रहते हैं। अब इसके बाद देखिए, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, होमोजेनियस फंक्शन, यहां देखिए, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के होमोजेनियस फंक्शन के बारे में बताएंगे। बताएंगे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के होमोजेनियस फंक्शन का डिफिनेशन क्या है, और डिफिनेशन बताने के बाद उस पर एग्जाम्पल देके मैं समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी कि हम दो वेरिएबल्स एक्स वाई के किस तरह के फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे। इसी बात की मैं चर्चा करूंगा, खुलासा करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के स्टडी में आपको होमोजेनियस फंक्शन के विषय में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है पार्शियल डिफरेंशिएशन के स्टडी में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं या पकड़ नहीं पाते हैं कि दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के किस तरह के फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे। तो मैं ही आपको एक्सप्लेन करूंगा बताते समय कि कैसे किसी गिवन फंक्शन के विषय में हम बता सकते हैं कि वह गिवन फंक्शन टू वेरिएबल्स एक्स वाई में होमोजेनियस फंक्शन है। आप समझ गए। अब इसके बाद मैं बताऊंगा एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम मैं पढ़ाऊंगा ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के होमोजेनियस फंक्शन पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं पढ़ाऊंगा, उसका प्रूफ बताऊंगा। दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के होमोजेनियस फंक्शन को जानने के बाद उसी होमोजेनियस फंक्शन पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ मैं दूंगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं बताऊंगा ईलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के होमोजेनियस फंक्शन पर ईलर का थ्योरम। ईलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पूरे पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ईलर्स थ्योरम। तो ईलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ मैं समझाऊंगा। पढ़ाते समय आप देखेंगे कि ईलर्स थ्योरम का जो प्रूफ है मैं दो तरह से दूंगा। अक्सर आप जनरली जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में उसमें देखेंगे कि ईलर्स थ्योरम का प्रूफ एक ही ढंग से दिया गया है, लेकिन मैं इसका प्रूफ इन टू वेज, दो ढंग से बताऊंगा। और इसका जो सेकंड प्रूफ है जो बुक्स में आपको
शायद नहीं मिलेगी। वो जो प्रूफ मैं दूंगा वो बहुत ही शॉर्ट प्रूफ है, और इलोस थ्योरम का जो सेकेंड प्रूफ जो मैं दूंगा उसके यूज करके इलोस थ्योरम पर बेस्ट प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से कम टाइम में हम बना सकते हैं। बहुत ही चार्मिंग आकर्षक लगेगा आपको जब पढ़ाएंगे। अब देखें, इसके बाद मैं बताऊंगा प्रॉब्लम्स ऑन इलर्स थ्योरम। इलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट और उसके प्रूफ को जानने के बाद मैं इलर्स थ्योरम पर बेस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। अब आगे देखें, देखिए मैंने लिखा है प्रॉब्लम्स ऑन इलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब इसके बाद देखिए, एन इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन इट, ये क्या है? तो टू वेरिएबल्स के होमोजेनियस फंक्शन पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं पढ़ाऊंगा, ये इलर्स थ्योरम से हटकर है। इलर्स थ्योरम से कनेक्शन है इसका, लेकिन इलर्स थ्योरम से हटकर यह थ्योरम है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो टू वेरिएबल्स के होमोजेनियस फंक्शन पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी पढ़ाऊंगा, और यह थ्योरम एग्जामिनेशन में हमेशा आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इस थ्योरम पर बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को भी मैं बताऊंगा। अब इसके बाद देखिए, इलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। देखिए यहां टू वेरिएबल्स था एक्स एंड वाई, यहां क्या है? थ्री वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। देखिए यहां है थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। तो ईलर का जो थ्योरम है वो टू वेरिएबल्स एक्स वाई के लिए भी है और थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के लिए भी है। एग्जामिनेशन में टू वेरिएबल्स पर जो ईलर का थ्योरम है उसका प्रूफ हमेशा पूछा जाता है और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी हमेशा पूछे जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि थ्री वेरिएबल्स के होमोजेनियस फंक्शन पर जो ईलर का थ्योरम है ये अलग है, और इसका प्रूफ कभी कभी पूछा जाता है और इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी पढ़ना आवश्यक है ताकि क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ाएंगे प्रॉब्लम्स ऑन इलर्स थ्योरम। तो थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के होमोजेनियस फंक्शन पर यूलर के थ्योरम को पढ़ाने के बाद इस पर बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं दूंगा। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कंपोजिट फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो ये क्या है इसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ये है कंपोजिट फंक्शंस। तो पहले मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद मैं बताऊंगा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यह भी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर। अब इसके बाद देखिए थ्योरम ऑन कंपोजिट फंक्शन। जब कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को समझ लेंगे, कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ लेंगे, तब कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड थ्योरम आएगा सामने और इस थ्योरम का मैं प्रूफ दूंगा। फिर इसी कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखें, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का अर्थ होता है अस्पष्ट, एक इंग्लिश वर्ड है एक्सप्लिसिट। देखिए मैं बता रहा हूं, एक वर्ड है एक्सप्लिसिट,
यू आर एक्सप्लिसिट फंक्शन, और ये क्या है, ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का अर्थ हुआ अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन का अर्थ हुआ अस्पष्ट फलन। मैं यहां थोड़ा सा बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। हालांकि इस लेसन को पढ़ाते समय मैं डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहां मैं इशारा कर रहा हूं, समझेंगे आप। जैसे वाई को यदि केवल एक्स के टर्म में आप एक्सप्रेस करते, इफ वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, देन वी से दैट वाई इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। और इसका फॉर्म इस तरह का रहेगा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, हियर वाई इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, सो इन दिस केस वाई इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें वाई एक्स का एक्सप्लिसिट फंक्शन है, स्पष्ट फलन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन देखिए मैं बता रहा हूं, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का फॉर्म हमेशा इस तरह का होगा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी वाई हमेशा एक्सप्रेस्ड होगा ओनली एक्स के टर्म में। और इम्प्लिसिट फंक्शन जो है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे वाई को यदि हम केवल एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करके वाई को एक्सप्रेस करते हैं एक्स वाई दोनों के टर्म में मिला जुला, जैसे हम लिखें वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या है, देखिए साइन ऑफ इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में मैंने वाई रखा है, राइट साइड का एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं। तो यहां क्लियर है कि आप y को केवल x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में x के साथ y का भी टर्म मिला हुआ है। तो इन दिस एग्जाम्पल y इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x ओनली, सो इन दिस केस वी से दैट दिस y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, मैं आपको समझाया। तो ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इस तरह का जो फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन। इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर बेस्ट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है मैं आपको बता दिया, पहले पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में, और फिर बताएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगा मैं। इसके बाद देखिए मैं पढ़ाऊंगा थ्योरम ऑन टोटल डिफरेंशियल्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल क्या है तो समझें आप, जैसे मान लिया जाए कि u इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, तो u का टोटल डिफरेंशियल du हुआ, समझ गए, टोटल डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल ऑफ u इज डिनोटेड बाय du, u में डिफरेंशियल ऑपरेटर d अप्लाई करते हैं, आप लिखते हैं du, सो दिस du इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल ऑफ u। तो मैं बताऊंगा कि u के टोटल डिफरेंशियल du के लिए क्या फॉर्मूला है। तो टोटल डिफरेंशियल से रिलेटेड थ्योरम का प्रूफ मैं दूंगा और उस पर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा। इसके बाद देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, एरर्स, त्रुटि एंड एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग मान निकालना, करेक्ट वैल्यू हासिल नहीं करना बल्कि एप्रोक्सीमेट वैल्यू हासिल करना, तो उसी से बना है एप्रोक्सीमेशंस। तो एरर्स त्रुटियां और एप्रोक्सीमेशंस, तो एरर्स एंड एप्रोक्सीमेशंस, यह एक अलग लेसन है, इसका काफी इंपॉर्टेंस है पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर में। तो बीएससी ऑनर्स के एग्जाम में तो इससे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बताया। इसके बाद एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस पर इम्पॉर्टेंट बेस्ट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगा। तो इस प्रकार मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी कंटेंट्स आपके सामने रखा है, वन बाय वन करके हर एक कंटेंट की चर्चा मैंने कर दी, आपने सुना समझा। इससे यह फायदा होगा कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो इन्हीं कंटेंट्स के हर एक कंटेंट को लेकर मैं सिस्टमेटिक वे में बढ़ूंगा वन बाय वन करके। तो इस तरह से मेरा प्लान है पढ़ाने का। और यह भी आप जानें कि अब आगे जो भी लेसन्स मैं पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स में किसी भी सेक्शन में, तो उस चैप्टर को डील करने के पहले उसके क्या कंटेंट्स हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़नी चाहिए, इसको मैं पहले ही बता दूंगा। इससे आपका पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, दिलचस्पी आपकी बढ़ जाएगी और अच्छे ढंग से हर एक मैटर को आप समझ पाएंगे। यही मेरा एम था इस कंटेंट को बताने का। मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने जो एक अपना प्लान बनाया है कि यूट्यूब चैनल पर मैं बीएससी ऑनर्स फॉर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, साथ ही साथ यूपीएससी, सीएसई, आईएएस मैथ ऑप्शनल एग्जाम के एस्पिरेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर सिलेबस के हर एक चैप्टर को इस ढंग से मैं समझा कर पढ़ाऊं कि हर चैप्टर के सारे थ्योरम्स, डिफिनेशंस और उन पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को टाइप में डिवाइड करके टाइप वाइज प्रॉब्लम्स को मैं बताता जाऊं, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए भी आपको प्रॉब्लम्स देता जाऊं। मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में केवल प्रॉब्लम्स को पढ़ाया ही नहीं, आप देखेंगे प्रीवियस लेक्चर हमारा, उसमें हर एक टाइप पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के बाद मैंने तुरंत प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस हेडिंग के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को मैंने दिया था कि इसे आप स्वयं ट्राई करेंगे, यदि दिक्कत हो तो आप पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यूट्यूब चैनल पर पहली बार मैंने मैथमेटिक्स का जो हायर क्लासेस का जो कोर्स है उसके हर एक चैप्टर को इसी ढंग से पढ़ाने का प्लान बनाया हूँ, जिसके बारे में मैंने बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि मेरा क्या क्लियर प्लानिंग है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टीचर, बिना किसी शिक्षक की सहायता के बिना, आप मेरे चैनल से, मेरा चैनल जो मैथ डिस्क्राइबर है, इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर आप बीएससी ऑनर्स फॉर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ प्लस
यूपीएससी मैथ ऑप्शनल मैथमेटिक्स के सिलेबस के सारे चैप्टर्स को वन बाय वन करके मेरे इसी प्लेटफॉर्म पर सारा मटेरियल्स एक ही जगह आपको मिल जाएगा, बशर्ते कि आप हमारे दिए गए हर एक वीडियो लेक्चर को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना पसंद करेंगे। तो ठीक है, आज का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतज़ार करें।